नमस्कार, मैं राकेश शर्मा, आज हैंड टू शोल्डर क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर विकास गुप्ता जी को मरीजों के प्रॉब्लम्स से संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सर, मोहम्मद आरिफ हैदराबाद से हैं, ये पूछना चाहते हैं कि इनके हाथ में 8 महीनों से दर्द और झंझनाहट है। ये कॉल सेंटर में काम करते हैं और जानकारी चाहते हैं कि क्या इनको सर्जरी की ज़रूरत है। देखिए, हाथ में दर्द और झंझनाहट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जो लोग कॉल सेंटर पे या कंप्यूटर पे बहुत समय तक काम करते हैं। लगातार कंप्यूटर पे काम करने से हमारी मसल्स में, टेंडन्स में कुछ सूजन आ जाती है, जो कई बार सूजन की वजह से नाव पे दबाव आ जाता है। जो सिर्फ दर्द है वो ज़्यादातर मसल्स के कारण होता है, और झंझनाहट जो सिम्टम है वो नाव का है, या तो नर्व के अंदर दबाव आ गया है या नर्व के अंदर सूजन आ गई है, जिस कारण ये प्रॉब्लम होती है। कई बार इस प्रॉब्लम को हम लोग कार्पल टनल भी बोलते हैं, जो कि कारण होता है एक नस जो मीडियन नर्व है वो दबाव में आ जाती है। इस चीज़ को समझाने के लिए हमारे पास एक हाथ का मॉडल है, इससे हम आसानी से समझ सकेंगे क्या परेशानी होती है। ये हाथ का मॉडल है, अगर इसमें से कुछ लेयर्स हम निकाल दें, ये जो लिगामेंट है एक तरह से, इसको हम जैसे हमने हटाया तो हम देखेंगे ये जो पीली सी चीज़ है ये हमारी मीडियन नर्व है। अगर कहीं भी टेंडन में, मसल्स में, जोड़ में कहीं भी सूजन होती है तो इस नस पे दबाव पड़ता है। जब ये नस दबती है तो हमारे अंदर एक हाथ के अंदर एक सेंसेशन आती है झंझनाहट की और सुनपन की, तो इस कारण से हमारे प्रॉब्लम होती है। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन, जब ये परेशानी होती है और ठीक नहीं हो रही होती है दवाइयों से, तो इस लिगामेंट को हम काट देते हैं, जिससे ये नर्व बिल्कुल रिलीज हो जाती है, इसके ऊपर से प्रेशर हट जाता है। जैसा कि हमने देखा, नस में दबाव के कारण हाथ में दर्द और सुनपन रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में हम हमेशा दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइजेस से सूजन को कम करते हैं, जिससे नस पे दबाव कम हो जाए और पेशेंट के सिम्टम्स में राहत मिले, पर कई बार सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं जिसके कारण पेशेंट को लापरवाही नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जिनके होते ही डॉक्टर से ज़रूर राय लेनी चाहिए। कुछ कारणों को मैं बताता हूँ। एक है रात को रोज़ नींद खुलना, हाथ में सुनपन बढ़ना, हाथ से चीज़ें छूटना, हाथ में कमज़ोरी आना, ये सब सिम्टम हैं तो हमको वेट नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और इसका इलाज कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, दवाइयों से, इंजेक्शन से, एक्सरसाइज से और सर्जरी से। तो डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर से राय लें, जैसा वो आपके लिए ठीक समझेंगे वो सही से आपको गाइड कर सकेंगे। थैंक यू।